ये देखो गाइस पिंक छोड़ा कितने प्रेटी लग रहे हैं। उसको ड्रिंक हटा दो। सृष्टि की मनकी कितने में नेहा तिवारी, ये फोटोज में ही अच्छा लग रहा था। तू और क्या बनेगी ओरिजिनल? हजारों में तो नहीं होंगे। हमारे लिए लेंस कार्ड, नेहा को अपने लिए लेंस लेने हैं पावर वाले। Hey everyone, welcome and welcome back to my new vlog once again. I hope you all are doing great. मैं भी बहुत अच्छी हूँ। So मैं काफ़ी टाइम बाद व्लॉग कर रही हूँ, ऑलमोस्ट एक महीना हो चुका है, क्योंकि आजकल बारिश भी बहुत हो रही थी एंड मुझे कुछ मिल भी नहीं रहा था व्लॉग करने का। अभी टाइम हो रहा है 6:30 एंड मैं आ रही हूँ मॉर्निंग वॉक में। थोड़ा मैंने वर्कआउट किया इसलिए मेरा स्वेटिंग हो रखा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। आज मेरा प्लान है मार्केट जाने का, पल्टन बाजार जाने का। मैं अपनी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ थोड़ी शॉपिंग वगैरह करने। आज पता नहीं कहाँ से धूप निकली है, वो भी थोड़े टाइम के लिए निकली होगी, कुछ टाइम बाद बारिश हो ही जाएगी क्योंकि मॉनसून आ गया है ऑफ कोर्स, तो रोज़ बारिश होती है देहरादून में। तो आज धूप निकली है तो हमने आज मार्केट जाने का प्लान फाइनली बना लिया है। बाकी मैं पापा के साथ आ रखी थी हम वॉक पर, पापा तो अपने स्पॉट पर चले गए हैं थोड़ा योगा वगैरह करने, एक्सरसाइज वगैरह करने, तो मैं यहाँ पर रुक गई थी। मुझे यहाँ बैठने की जगह मिली थी तो मैं यहाँ पे अपना वर्कआउट थोड़ा सा किया मैंने। सो मेरी यहाँ पे एक्सरसाइज थोड़ी बहुत हो चुकी है, अब मैं जा रही हूँ घर। घर जाके थोड़ा फ्रेश वगैरह होंगी, ब्रेकफास्ट करूँगी और उसके बाद हम लोग 12 बजे तक निकलेंगे क्योंकि मार्केट भी 11 बजे खुलता है यहाँ पे। तो आपको तब मिलते हैं, बाय। बाकी धूप भी देखो कितनी मस्त निकल रही है। एंड ये है बेसिकली सर्वे गेट के अंदर एक झील है, वहाँ पे ये पार्क है बड़ा सा, तो वहाँ पे आते हैं हम। सो घर पहुँच के मैं फ्रेश फ्रेश हो गई थी, शावर भी ले लिया था और उसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में मैंने हरी भुज्जी मम्मी ने बनाई थी तो वो खाया और उसके साथ दो रोटी खाई थी। मम्मी के हाथ की भुज्जी और रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है एंड ट्रस्ट मी, इससे टेस्टी सब्जी कोई और हो ही नहीं सकती। सो गाइस हम आए हैं पल्टन बाज़ार। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेहा की शादी हो रही है एंड इनके लिए हम लोग शॉपिंग करने आए हैं। जी शॉपिंग हमने कामिनी से कर ली थी, इसके जैसे लहंगा सूट साड़ी वगैरह, अभी बाकी छोटी मोटी शॉपिंग हम लोग यहाँ से करने आए हैं। आपको दिखाते हैं कि हम लोग क्या शॉपिंग करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हमको ये क्यूट क्लचर्स दिखे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी एंड नेहा को क्लचर भी चाहिए था बाल बांधने के लिए, एंड तो हमने ये क्यूट क्यूट से क्लचर लिए यहाँ से। 50 रुपीज़ पर क्लचर था ये। उसके बगल में एक छोटा सा स्टॉल आके भैया खड़े हुए थे, यहाँ पे आर्टिफिशियल के कड़े, मंगलसूत्र, झुमके और ये रिंग्स मिल रही थी, तो नेहा ने अपनी मम्मी के लिए लिए। ओरिजिनल सोना लग रहा है ये तो, मुझे खुलेआम बिक रहा है ओरिजिनल सोना गाइस। ये हमने चार लिंग दी है 150 रुपए की गाइस, 50 रुपए की एक रिंग है। कितने चार है? शुक्र मना 50,000 की नहीं है एक रिंग। आज बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है गाइस, बहुत ज्यादा गर्मी, पसीने छूट रहे मेरे। तो अभी हम लोग फर्स्ट शॉपिंग करने जा रहे हैं चूड़े, इसलिए चूड़ा तू बोली क्या? हाँ समझ गई तेरा वो क्या मतलब। लहंगे का कपड़ा हमने लिया था तो वो मैंने इससे मंगाया था कि उससे मैचिंग करके हम लेंगे। हम जा रहे हैं चूड़ी चूड़ी बाजार में। मैं चूड़ा देखना है इनके लिए, इनके लिए, इनके लिए ब्राइड के लिए। वो दिखा दे कपड़ा, दिखा दे जो कलर है वो वाइट है पूरा, ठीक है। तो मेरे पे जो काम है ना मेरे लहंगे पे वो थोड़ा सा रेडिश वाला जो रस्टी कलर होता है ना उस वाले कलर का काम है। मैं आपको दिखाऊंगी अभी लहंगा भी ना, ये भी पसंद किया है, मैच के लिए लगाना है। सृष्टि देख, देखते भैया क्या बना के देते हमें। हाँ मैच तो कर रहा है। ये ऐसी पहली दुल्हन देखी होगी मैंने जो अपनी शादी के लिए एक्साइटेड नहीं है। चल इधर दिखा उधर, मुझे डर लग रही है तुझे, एक्साइटमेंट की बढ़ी हुई है, नर्वसनेस बोल रही है। देखो कितना अच्छा चूड़ा लग रहा है, बोल रही छी
ये मैंने छी तो नहीं बोला बट मेरे को ऐसा लग रहा है कितना प्यारा लग रहा है। बन्नो रे बन्नो में चरी से सुहान कुंदन वाले में तो होते हैं ये वाले में जो व्हाइट वाले होते हैं कुंदन से दिखाना इधर अच्छे से दिखाना गाइस को थोड़ा अच्छे से दिखाना आदाय बताए अच्छी लग रही है सृष्टि की मन की करते हुए नेहा तिवारी अभी दूसरा डिजाइन बना रहे भैया नेक्स्ट ज्वेलरी शॉपिंग करने जाएंगे अभी ब्लाउज तो आया नहीं नहीं वो वाला नहीं लहंगे के साथ ले लूं वो तो रेंट पे लेगी ना बाकी जो ऐसे लहंगा ले लहंगा तो सस्ते से मिल जाएगा दिसंबर 10 सितंबर शादी के 2 महीने बाद अरे तेरे लाइक नहीं है तू नहीं संभाल पाएगी तू इरिटेट हो जाएगी अभी इतना हो रही हूँ तब कितना होंगी वो सिंपल ही बनवा मैं तो कह रही हूँ जब तुझे इतना शौक ही नहीं है तो सिंपल ही बनवा हाँ बट मुझे डॉट डॉट नहीं पसंद आया इतना ही भर के पहनते हैं यस अच्छी में तू भी ऐसे पहनेगी मुझे तो अच्छा लगता है शादी के बाद यस लग रहा है मैं काम कैसे करूँगी लैपटॉप पे तुझे की यहाँ हथेली से तो यहाँ से थोड़ा ना करना है रस्सी से काम करना होता है मैं ये ऐसे दिखा 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 एक ही डिजाइन बनाया भैया ने और एक ये कौन सा अच्छा लग रहा था ये और ये पसंद नहीं आ रहा इसके इसके जगह ये वाला लगवा ले बाहर बाहर में ये वाले करवा सकते ये कुंदन वाला हाँ बाहर बाहर लास्ट में हाँ ठीक है नहीं मैच नहीं कर रहा एडी का ही दिखा दो वो नहीं पहनते गोल्ड वाले पहनते हैं ना तो वो वही पहन लूंगी ना मेरे पास है तो हाँ तो फिर सिंपल इतना ही बना ले शादी में थोड़ा पहन के आएगी लहंगे के साथ गोल्ड वाले बट इसके आगे कुछ अच्छा लगेगा ना ये पतला हो रहा हाँ आगे एक चीज आएगी कुंदन का ही कोई और अच्छे से कड़ा दिखाओ ये देखो ये दूसरा कड़ा लगाया भैया ने इसमें ये वाले रुक जा ऑब्वियसली तो ये वाला सेट नेहा को पसंद आ रहा है ज्यादा तो ये फाइनल कर दिया कर ही लेती है मुझे ज्यादा छेड़छाड़ नहीं चाहिए जितने देखेंगे ना उतना कंफ्यूज होता है इंसान ना ये मैच करेगा तेरे लहंगे में भाई ये परफेक्ट मैच करेगा तेरे इसमें और ये बहुत प्रीटी लग रहा है रेडिश भी और वो थोड़ा मस्टर्ड टाइप का गोल्डन टाइप का भी वो आ रहा है वाह मुझे ये वाला चीज अच्छा लग रहा है इसका नी भी लगेंगी ऐसे कितने ये देखो गाइस पिंक छुड़ा कितने प्रीटी लग रहे हैं वाह मदन मम्मी जी हाँ मम्मी जी बोल मुझ से आंटी निकलता है यार मदर 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 मत कर हाँ मम्मी जी बोल चुपचाप समझी मुझे मम्मी जी ना मुझे कहते तेरे लिए स्पेशल गिफ्ट मम्मी जी गिफ्ट भी है मम्मी जी और पापा जी अभी कल कॉल आया उनका मुझे तो पापा जी ना दो पंच मार रहे थे तो शाही नेचर के बात नहीं करते इजीली तो फिर बात करते हैं जब दो पे गंदा जाते हैं तो और बेटा कैसी हो क्या चाहिए आपको आप हमें बताओ तो नहीं मैंने वाईफाई लगाने के लिए बोला ना तो पूछे थे कौन से रूम में लगाना है मैंने जिस रूम में काम करेंगे उस रूम आंटी नहीं मेरी मदर मदर नहीं मेरी मम्मी जी मदर तेरी एक ही है जो तेरे घर में रहती है अबे यार अब तेरी मम्मी जी हम जितना परेशान कर दिया ना बोल बोल की मम्मी जी बोल मम्मी जी मेरी तो मैं संस्कारी लड़की मम्मी जी भी बोलते कि आंटी बोले शादी के बाद भी आंटी बोले बट इसको है कि मैं मम्मी जी मैं इसको संस्कारी लड़की बना रही हूँ गाइस संस्कारी लड़की अभी हम लोग लेंगे इसके लिए हल्दी के लिए चूड़ी क्योंकि हल्दी में भी चूड़ी पहना जाता है छोटी थोड़ी थोड़ी लेंगे ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि वो थोड़े टाइम के लिए पहने जाती है जब पूजा होती है ये देखो ये है साड़ी इसकी हल्दी आती इतना बहुत है ये हो गया तेरा हल्दी की चूड़िया पैक तो इसका चूड़ा भी पैक हो चुका है 7000 का चूड़ा बना है इसका गाइस 7000 का अब ये देखने जा रही है हल्दी की वो नहीं ले रही है ऐसे मांग टिक्का होते लड़कियों के लगाने के फ्लावर वाली हाँ क्यों बे हम नहीं लगाएंगे
मैं क्यों लूं, मैं खुद लूं। चुप रे, तू ही लेगी, तेरी शादी है। मैं नहीं आ रही तेरी हल्दी में, जा। चल, मैं नहीं आ रही। ये देख, लड़कियों के लिए तुझे ही लेनी होती है, ये लड़कियां थोड़ी ना लेके आएंगी। कोई ऐसा रिवाज नहीं है, मैंने आपको सुना। तो मेरे लिए तो ले लेगी यार, ऐसा मत कर। एक दे दो यार इसके लिए, मेरी जान में ले, ये तो अंकल फ्री में दे दो। अभी गाइस हम लोग जा रहे हैं इसके लिए ज्वेलरीज लेने के लिए। इसने मेहंदी के लिए ड्रेस ली है, उसके लिए ज्वेलरीज देनी है इसको। उसके लिए हम लोग जा रहे हैं ओरिएंट। यहाँ पे पल्टन में बहुत अच्छी शॉप है ओरिएंट, यहाँ पे सारे ज्वेलरीज मिल जाते हैं और बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं, बट थोड़े से महंगे मिलते हैं। ये देखिए गाइस, ये है ओरिएंट और हम यहाँ जा रहे हैं। तो हमने डिसाइड किया है कि हम इयररिंग्स और मांग टीका के साथ ही जाएंगे, नो नेकलेस, बिकॉज इसमें नेकलेस की कोई नीड नहीं है। और आपको काफ़ी सारी वैरायटीज यहाँ पे मिल सकती हैं, एवरीथिंग ज्वेलरी से रिलेटेड सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, एंड परफेक्ट अच्छी क्वालिटी का। ये फाइनल कर रही है यार मैं। अभी हम लोग देखते हैं चोपड़ साइड, जो कि इसको कीर्तन वाली ड्रेस के साथ पहनना है, ताकि ये मेहंदी वाले के लिए इसने ये वाला लिया है। ये देखिए चोपड़ साइड, प्यारे प्यारे चोपड़ साइड का। ये फाइनल है तेरा? ये मेरे दोनों काम आ जाएगा, एंगेजमेंट वाले दिन कीर्तन के लिए, मेहंदी का। कौन सी रिंग पसंद आ रही है तुझे? सारे शर्ट। दोस्तों हमने ले ली है ज्वेलरीज भी और अब हम जा रहे हैं इसके लिए फुटवेयर लेने के लिए। काफ़ी सारी हील्स हमने ट्राई करी है, बट नेहा को कोई पसंद नहीं आ रही है, कोई कंफर्टेबल नहीं लग रही है। देखते हैं कहीं और भी जा सकते हैं हम, ऐसा नहीं है कि यहीं से लेना है। सो गाइस हमने उधर से सैंडल नहीं ली क्योंकि भैया बिल्कुल भी कम नहीं कर रहे थे। सो गाइस हम लोग आ गए थे हाइप में, पल्टन बाजार में ही एक हाइप का शोरूम है छोटा सा, वहाँ पे हम लोग आ गए थे सैंडल्स देखने के लिए। तो यहाँ से नेहा को थोड़ी बहुत कलेक्शन यहाँ का पसंद आ रहा था एंड कंफर्टेबल भी था। यहाँ की हील्स काफ़ी कंफर्टेबल होती है हाइप की, मैंने भी काफ़ी ले रखी है। लेट्स सी नेहा यहाँ से क्या, कौन सा पेयर पसंद करती है, पसंद आता भी है या नहीं आता है। फाइनली इतना सर्च करने के बाद इसको एक फुटवेयर पसंद आ गया था एंड इसने ले लिया है। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं इसकी हल्दी के लिए ज्वेलरीज लेने के लिए। ऐसी आर्टिफिशियल वाली ज्वेलरीज पसंद नहीं आती, इसको नेक पीस नहीं चाहिए था, बाकी इयरिंग एंड मांग टिक्का एंड हैंड्स का चाहिए था बैंगल्स। तो इसने फ्लावर्स के, ओरिजिनल फ्लावर्स के कस्टमाइज़ करवा के दिए हैं एंड वरमाला भी इसने यहीं से बुक किया है, काफ़ी अच्छे अच्छे वरमाला भैया बनाते हैं। A few moments later. गाइस हम लोग आए हैं कालसर में कुछ खाने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी हमें। गाइज अभी हम लोग आए हैं पैसिफिक, थोड़ी इसकी बैग वगैरह की और फुटवेयर्स की शॉपिंग करने के लिए एंड यहाँ पे बड़ा मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। मैच हो रहा है। शो मी।
सो गाइस नेहा ने 3 फुटवेयर ले लिए हैं एंड अब हम लोग आए हैं बैग हैंडबैग देखने के लिए लाइफस्टाइल में। तो उसको यहाँ से कोई भी बैग पसंद नहीं आया था तो हमने स्किप कर दिया वो बैग लेने का प्लान। उसके बाद हम लोग गए नायका स्टोर में, यहाँ से कुछ मेकअप का सामान लिया उसने। 17,000 का बिल बनाया इस बंदी ने अपना मेकअप का। गाइस वी आर सो टायर्ड एंड अभी हम लोग आ रखे हैं लेंस कार्ट। नेहा को अपने लिए लेंस लेने हैं पावर वाले एंड मैं भी सोच रही हूँ कि कलर वाले लेंस देख लेती हूँ। पिछली बार मैंने स्पाइसी ग्रे लिया था और मिस्टी ग्रे लिया था बट दोनों ही कलर मेरी आँखों में पता ही नहीं चल रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैंने लेंस ही नहीं लगा रखा है। सो दिस टाइम आई एम गोना ट्राई समथिंग डिफरेंट कलर जो कि मेरी आँखों में अच्छे लगे। आई एम गोना ट्राई दिस। ये लगाया था तूने फोटो में, मेरी आँखों में दिखा भी है। ज़्यादा ब्लू तो नहीं लगेगा मेरा। 4 लेंस नेहा ने बाय किए हैं एंड 3 मैंने बाय किए हैं, इसका बिलिंग हो रही है। नाउ वी आर एट कवेंटर्स। हम लोग को बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी तो हम कुछ पीने आ गए हैं यहाँ पे। इसको देखो जो हमने पैक कराया था उसी में से निकाल के खाने लग गई। भूख लग रही थी अभी तो, तू बोल रही थी ज़रा फुल है पेट। गाइस आई बॉट स्ट्रॉबेरी शेक फॉर मी चुटनी बीबी एंड ये कौन सी है चॉको चिप। चॉको चिप क्या? चॉको चिप शेक नेहा के लिए।